few methods how we can find difference. The main topic for today's is how we can find the difference through number line. हम ये सीखेंगे कि हमने नंबर लाइन के थ्रू कैसे डिस्टेंस फाइंड करना है. लेकिन आपकी बुक का पेज नंबर 41 यू कैन इजीली सी, वहां पर आपको टू थ्री मेथड्स, टू थ्री तरीके से और पूछा गया है कि आप डिफरेंस बताओ. सो वी विल सॉल्व ऑल ऑफ देम, बट इन डिटेल वी विल स्टडी द नंबर लाइन. सो फर्स्ट यू कैन सी हियर वी हैव टू पर्सन, बोथ ऑफ देम होल्डिंग अ बैग एंड ईच बैग हैज फ्यू बॉल्स. ओके, अब आपने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है. द क्वेश्चन इज टू फाइंड द डिफरेंस. नाउ यू विल काउंट द बॉल्स इन दीज टू बैग्स एंड देन वी विल फाइंड द डिफरेंस. व्हेनेवर इट्स रिटन अ वर्ड डिफरेंस, इट मींस सब्ट्रैक्शन. इट मींस सब्ट्रैक्शन. सो नाउ वी विल काउंट द बॉल्स, वन टू थ्री फोर five, six, seven, eight, nine. So this ball this bag has nine balls. Now see the other one. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, and 16. Okay, so this person has 16 balls in his bag, and this girl has 9 balls in her bag. So how we will find the difference? We will write 16 balls, the greater amount, minus 9 balls. So 16 minus 9 is equals to 7 balls. Okay, so one method is this. You can find the difference by counting. आप दोनों को count करते हो, ठीक है? आपको दो objects given है, आप दोनों के अंदर जितनी balls हैं, ये जितनी भी चीज होती, कोई toys होते, आप उनको count करते, ठीक है? और जो greater amount है, उसमें से आप minus कर देते, छोटी वाली amount को, then you can easily find the difference. Okay, moving towards the next option. Again, we are given to find the difference. So you can see in the first lane, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 smileys are there. Okay. But in the second option, in the second lane, you can see here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 smileys. So how you can find the difference? आप इसमें किस तरह से difference find करते हैं? अब देखिए, जहां तक ऊपर और नीचे वाली लेन में स्माइलीज सेम थे वहां तक ठीक है, बट जहां पर डिस्टेंस आ रहा, जहां पर डिफरेंस आ रहा है, आप वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो उसके बाद जितने रिमेनिंग रह जाते हैं वो आपके पास डिफरेंस होता है लाइक दिस. और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर वाली लेन में आपके पास 11 थे, ठीक है, नीचे वाली लेन में आपके पास 9 थे. जब 11 में से 9 आपने माइनस कर दिए तो आपके पास कितने रिमेनिंग रह गए, 2. Right? So in this way you can write it. और अगर आपने लिखा नहीं है तो आपको बगैर लिखे किस तरह पता चलेगा? जहां तक first और second lane में कोई भी object same है वहां तक वो same रहेगा. उसके बाद एक line draw करें, line के बाद जितने left over object होगी वो उसका difference होगा. Okay? Next one we have is find the difference, in which we have few blocks. So counting the blocks, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 blocks. At the first position, we have 8 blocks. Talking about the second one, we have 1, 2, 3, and 4 blocks. So similarly, you will draw a line like this. ठीक है, जहां तक block same number के वहां तक आप एक line draw कर दें. उसके बाद जितने एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर है वो आपके पास उसका डिफरेंस होगा. सो 8 ब्लॉक्स आपके पास फर्स्ट पोजीशन में थे, माइनस 4 ब्लॉक्स व्हिच इज एट द सेकंड पोजीशन. सो द आंसर इज
four blocks. Sorry, this is four. 4 minus 8 minus 4 is equals to 4 blocks. So 4 is the difference of these two blocks. Okay, now we will do subtraction using the number lines. And what is the key vocabulary for this topic? Number line, bache, kya hoti hai? Aap is tarah se ek line draw karte hain, theek hai? Uske upar aap numbers ko express karte hain, theek hai? For example, you draw a line like this. ठीक है, अब आपके लिए तो ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो आप इसको कैसे स्टार्ट करते हो? सबसे पहले आप लिखते हो ऐसे लाइन ड्रॉ करके जीरो, राइट? आफ्टर दैट यू गिव अ गैप, अ लिटिल गैप, देन यू राइट वन. आफ्टर अगेन यू विल गिव अ गैप एंड यू विल राइट टू, देन थ्री. This is called number line, a line on which we express the numbers. ठीक है, अब उसमें आपने difference कैसे find करना है? So अगर आपको कहा गया है कि आपने 8 और 5 का difference जो है वो count करना है, तो आप क्या करोगे? ये 8 लिखा हुआ है और ये 5, ठीक है, आपने subtract करना है. So how you will do it? 8 में से 3 minus 8 और 5 का difference आपने find करना है. So आप 8 से 5 तक जाओगे थ्रू नंबर लाइन. आप ऐसे काउंट करोगे 1 2 3. नाउ यू आर ऑन द नंबर 5 एंड यू स्टार्टेड फ्रॉम नंबर 8. सो ये बीच में कितने नंबर्स आए? 1 2 एंड 3. सो इट मींस द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 8 इज 3. द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 8 इज 3. Okay, so we have a worksheet, subtract using number lines. हम number lines को use करते हुए subtraction करेंगे. So हमने पहला question है हमारे पास 7 minus 3. तो हम 7 से start करेंगे और हम 3 तक जाएंगे. Subtraction कर रहे हैं तो हम backward जाएंगे. जब हम addition करते हैं we move forward. Okay, when we do subtraction using number lines we move backward and when we do addition using number line we move forward. So ab hum backward jayenge to hum 7 se start karenge. Pehle hum 6 pe aayenge, phir hum 5 pe aayenge, phir hum 4 pe aayenge, then hum 3 pe aayenge. Theek hai, so 7 minus 3 is 4. I have provided the answers as well. Okay, see the next one. 8 minus 2. So आप 8 से start करोगे और आपने 2 minus करना है इसमें. 8 में से आपने 2 minus करना है. So 8, पहले आप 7 पे आएंगे, then आप 6 पे आएंगे. So 8 minus 2, आपने 2 minus कर दिया 8 में से. Now you are on the 6th position. So 8 minus 2 is 6. Next one, 4 minus 3. So see here, we have आपने 4 में से 3 minus करना है. पहले आप 3 पे आओगे, फिर आप 2 पे आएंगे, then 1 पे. ठीक है, so now we are on the position 1. And 4 minus 3 is 1. ठीक है, आपने 4 में से जब 3 सबट्रैक्ट कर दिया, नाउ यू आर ऑन पोजीशन 1. मूविंग टुवर्ड्स लास्ट वन, 9 minus 6. सो आप 9 से स्टार्ट करेंगे और 6 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6. नाउ यू आर ऑन नंबर 3. So 9 minus 6 is 3. So in this way we solve the number, we do subtraction using the number lines. Okay, I have provided the answers as well. Okay, and here is a little mistake. We have to subtract 3. 7, पहले हम 6 पे आएंगे, फिर 5,
5 पे आएंगे और फिर 4 पे आएंगे बिकॉज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 एंड नाउ वी आर ऑन द नंबर 4. सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं नंबर लाइन में. हमारे पास एक नंबर लाइन गिवन होती है, ठीक है, ऑन विच फ्यू नंबर्स आर गिवन. द रेंज ऑफ द नंबर्स गिवन टू अस इज 1 to 10, ठीक है. अभी जो हमें गिवन है वो 1 to 10 तक नंबर्स है. अब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है और सब्ट्रैक्शन हमें यहाँ नीचे गिवन है 7 - 3. सो हम 7 से स्टार्ट करेंगे. सिंस वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन सो वी विल मूव बैकवर्ड. इफ वी आर डूइंग एडिशन वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है. जब हम एडिशन करते हैं हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं हम बैकवर्ड मूव करते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है. अब आप देखो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम बैकवर्ड जाएंगे. दिस इज बैकवर्ड मूवमेंट, ठीक है, एंड दिस इज फॉरवर्ड मूवमेंट, ओके. अब हम बैकवर्ड जाएंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 7 एंड वी हैव टू गिव अ गैप ऑफ 3, ठीक है. हमने 3 का गैप देना है तो हर नंबर के बाद हम इस तरह एक होप ड्रॉ करेंगे. हम 6 पर आए, 6 के बाद हम दोबारा 5 पे जाएंगे, 5 के बाद दोबारा हम 4 पे जाएंगे, ठीक है. सो हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब हमारे पास क्या आंसर आया, हम किस नंबर पे इस टाइम मौजूद हैं, 4 पे. सो 4 विल बी द आंसर, ओके. नेक्स्ट वन वी हैव 8 - 2. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 8 एंड वी विल मूव 2 steps backward, okay? We will move 2 steps backward. ठीक है, हम 2 steps backward जाएंगे. So now we are on the number 6. So 6 will be the answer, okay? Next one we have is 4 - 3. So we will start from 4 and since we are doing subtraction, so moving back 3 times. So हम किस तरह करेंगे? 1, 2, 3, ठीक है, 3 नंबर्स बैक जाएंगे. सो नाउ वी आर ऑन नंबर 1. सो 1 विल बी द आंसर. एंड लास्ट वन इज 9 - 6. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 9 वी हैव 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6. सो आफ्टर मूविंग बैकवर्ड 6 टाइम्स वी आर ऑन द नंबर 3. सो 9 - 6 इज इक्वल्स टू 3. This is how you can solve questions using number lines. Okay, I have provided answers here as well. Okay, now what is your homework? This is given in your book. This page is given in your book. So you will simply write this difference line. 16 balls minus 9 balls is equals to 7 balls. You will write it इन योर बुक्स, ओके. आपके बुक में जहां ये डायग्राम बनी हुई है उसके नीचे ही आप ये आंसर लिख देंगे. उसके बाद ये डायग्राम भी आप ही की बुक के पेज नंबर 41 से ली गई है, उसके नीचे भी आप इसी तरह डिफरेंस लिख देंगे और ये एक लाइन भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है. देन दिस पेज इज दिस स्लाइड इज अगेन इन योर बुक्स, ठीक है. अपने बुक्स में ये भी आप लिखोगे, ठीक है. सिर्फ आंसर अपने बुक में आप लिखोगे, ये जो ब्लॉक में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है. देन नो नीड टू राइट दिस पेज. उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन की आपके पास सिर्फ एक वर्कशीट है फॉर टुडे, ठीक है. आप इस वर्कशीट का प्रिंट आउट लेना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है एंड देन यू विल पेस्ट दिस वर्कशीट इन योर नीट कॉपीज, ओके. सो नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क.